की चादर। मैंने जिस कलीम को टूट के चाहा वो तो जिंदा है, फिर मैं भला उसे छोड़ के कहां जा सकती हूं? आंटी, कल अहमद आ रहे? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, कल मेरे दोनों बेटे इकट्ठे यहां मेरे पास होंगे। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़े दिन के लिए फिरदौस हाउस चली जाऊं। नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अरे इस तरह तो ये तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी, एक ना एक दिन तो इस सिचुएशन को फेस करना ही है ना, फिर आज ही क्यों? अंकल, क्या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? नहीं, मैं ठीक हूँ। किसने कहा? वो अरसलान बता रहे थे और काफी टेंशन में थे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अंकल, फिर आप यहाँ इस तरह से क्यों लेटे हुए? रूम से बाहर निकले, नॉर्मल जिंदगी गुजारे और हमें भी गुजारने दे। तो क्या मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने लगा? ऑब्वियसली अंकल, अगर इस घर में एक शख्स बीमार होगा तो ऑटोमेटिकली घर के सारे अफराद डिस्टर्ब होंगे ना। आंटी, आज तो आप बहुत खुश होंगी, है ना? बहुत कलर्स दिया, छोटा पड़ गया। जरा इमेजिन करो, जब मेरे दोनों बेटे इस दरवाजे से एक साथ एंटर होंगे तो क्या मंजर होगा। आज तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है ना? मैंने जिंदगी के अनगिनत लम्हों का खून निचोड़कर इस एक ख्वाहिश को पाला है, और इस ख्वाहिश पर जिंदगी की हर ख्वाहिश को कुर्बान किया। लीजिए आंटी, आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई। आप इतने अरसे से जिस लम्हे का इंतजार कर रही थी वो लम्हा आ गया है। अब बस आप अपनी नजरें इस डोर पे रखें। बेटा, इधर इधर आके मेरे पास खड़ी हो जाओ। ज्यादती गम की हो या खुशी की, बहुत दफा इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कैसी है माँ? बेटे, माँ से ही मिलते रहोगे, बहू से तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कहाँ हैं आपके? स्कूल में। अरे हाँ, अभी तो स्कूल में होंगे। भाभी का नहीं पूछोगे? भाभी, आपकी वाइफ की तो डेथ हो गई थी ना, फिर कौन सी भाभी? भाई ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? मॉम, आप मुझसे हर बात शेयर करती है और आपने इतनी बड़ी बात छुपाई। हर बात फोन पर तो नहीं बताई जा सकती ना बेटा। जी, कहाँ है वो, उसे बुलाओ। वो ऊपर अपने कमरे में, मैं उनको अभी बुला कर लाती हूँ। भाभी, भाभी, अहमद आ गए। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। इस वक्त तो तुमसे तुम्हारी खुशी नहीं संभाली जा रही होगी, है ना? जिसका इंतजार हो
वो ख्वाबों में भी नहीं, ख्यालों में भी नहीं, सचमुच सामने आ जाए तो खुशी कहाँ संभाली जाती है। अपनी खुशियों को संभाल कर रखो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये दामन से झड़ जाए ना तो समेटी नहीं जाती। जिसकी बड़ी बहन जैसी देवरानी हो, भाइयों जैसा देवर हो, माँ जैसी सास हो, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप नीचे आइए, वो आपका पूछ रहे हैं। कौन, अहमद? जी वही। उसे किसने बताया कि हसन भाई ने? हसन भाई ने अभी अभी बताया उन्हें सब कुछ। क्या? यही कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अहमद अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। आप जल्दी से नीचे आ जाए, हसन भाई भी आपको बुला रहे हैं। और मैं तो बस वहां से जान बचा के भागा। माशाल्लाह, हंसते हुए तुम दोनों भाई कितने प्यारे लग रहे हो। मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम दोनों को एक साथ देखूं, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। अरे भाई, कहां रह गए वो? बुलाओ उसे। मैंने बुलाया है, वो बस आ ही रही है। नीचे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लगी भाभी? जी अच्छी है। सिर्फ अच्छी? अरे ऐसी तो तुम चिराग लेकर ढूंढने तो निकलोगे ना, तो नहीं मिलेगी। वाकई आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। ढूंढने वाले ढूंढ लेते, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगन सच्ची होनी चाहिए। लेकिन अब कोई ऐसा भी तो हो ना जो आपकी सच्ची लगन को समझ सके, नहीं? कहते हैं कि मेरी बीवी पोते पोते की ख्वाहिश दिल में लिए ही मर गई, और अगर फर्जी मां बनना नहीं चाहती तो मैं दूसरी शादी करूं। इश्क की चादर आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। क्या बताऊं तुम्हें, होना क्या है? अपनी बीवी को जाकर कह दो कि ये सब कुछ मेरा है, जब तक मैं जिंदा हूं, और उस वक्त तक अपने जिंदा होने का सबूत देता रहूंगा मैं। मगर डैड, अगर मगर कुछ नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी मां पोता पोती की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चली गई, मगर मैं अपनी इस ख्वाहिश को हसरत नहीं बनने दूंगा। अगर फरजीन बच्चा पैदा करना न चाहती तो ना सही, तुम दूसरी शादी करो। जिंदगी ने मेरे साथ ही क्या मजाक किया, अमारा को मेरे सामने मेरी भाभी बनाकर ला खड़ा किया,
क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा इम्तिहान है? ये लीजिए जनाब गर्मा गर्म चाय। अभी तो पीते चाय। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुझे इस वक्त चाय की जरूरत है? ऐसे लाइफ पार्टनर का क्या फायदा जो दिल की बात ही ना समझ सके। राइट। चाय अच्छी बनाई। थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आंटी और हसन भाई इतने खुश हैं, आप यहाँ इतने अपसेट क्यों बैठे हुए? अपसेट? तो वो मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ। एम्बैरेस्ड? लेकिन किस लिए? कितने इतने प्यार करने वाले भाई को इग्नोर किया मैंने, इतनी नफरत की उनसे कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वाकई में हसन भाई बहुत अच्छे हैं, उनसे जितनी भी मोहब्बत की जाए कम है। अब तो मुझे उनके सामने जाते हुए अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो मुझे कॉल किया करते थे और मैंने पता नहीं उन्हें क्या कुछ कहा। आई फील सो बैड। अच्छा बस, अब इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, अब तो वो आ गए, आप उनको सॉरी बोल सकते हैं। सिर्फ सॉरी? दुनिया में बेहतरीन रिश्ते वही होते हैं जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटा सा सॉरी का लफ्ज सब कुछ पहले जैसा कर देता। ऐसा कहां होता है फरवा, जिसे मैंने हर रिश्ते से बढ़कर चाहा, उसने तो मुझे सॉरी बोलने के बजाय मेरे भाई से शादी कर ली। चाय पिए ना। क्या हुआ अरसलान? आप तो अंकल को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे ना? डैड बहुत गुस्से में थे, उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, ओ अरसलान प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अंकल की जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि आंटी की डेथ ने उनके दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। तुमने डैड से कोई बात की है क्या? नहीं तो? बहुत रूड होकर तुमने कोई डैड से बात की? नहीं अरसलान, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? क्यों, अंकल ने आपसे कुछ कहा है? हाँ। क्या? वो कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मैं अभी जिंदा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा अपने जिंदा होने का सबूत देता रहूंगा। लगता है तुमने डैड से बहुत हार्ड टॉक किया है। कम ऑन अरसलान, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। अरसलान, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो खौफ सता है कि उनके हाथ से ये प्रॉपर्टी, ये पावर ऐसा ऐसा जाता जा रहा है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। साथ उन्होंने एक और बात कही है। वो क्या? वो ये कि कहते हैं कि मेरी बीवी पोते पोते की ख्वाहिश दिल में लिए ही मर गई, मगर मैं ये ख्वाहिश अपने दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। मुझे डॉक्टर्स नहीं पोते पोतियां चाहिए, और अगर फर्जी मां बनना नहीं चाहती तो मैं दूसरी शादी करूं। दूसरी शादी?
तुम्हारी आंखों में चमकते सभी सवाल पढ़ लिए हैं मैंने बेटा, पर मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। नहीं मां, मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। सब पे क्या देख रहा हूं मां? मैंने कहा ना अहमद, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो मुझे क्यों बुलाया यहां पर, ये सब कुछ दिखाने के लिए, मुझे जलील करने के लिए, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए? वक्त की नजाकत को समझो बेटा। कौन सा वक्त? जिस वक्त ने मेरे अरमानों का खून कर दिया। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई मां, आप मेरी मोहब्बत को मेरी भाभी बनाकर इस घर में ले आए, क्यों? हमने कुछ नहीं किया बेटा, ये चाल वक्त ने हमारे खिलाफ चली है, जज्बात से नहीं, तहम्मुल से हमें वक्त की इस चाल का मुकाबला करना है। ये सब क्या है मां, क्या है ये सब? तुम्हारी बर्दाश्त और मोहब्बत का इम्तिहान। इधर देखिए, बताया मुझे कैसा इम्तिहान है ये? इम्तिहान ऐसे ही होते हैं बेटा, और जो लोग इम्तिहान में बौखला जाते हैं वो जमाने की नजरों में मजाक बन जाते हैं और दूसरों को भी मजाक बना डालते हैं, और जो लोग हौसले से वक्त का मुकाबला करते हैं वो मोतबर कहलाते हैं। मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों बुला आपने मुझे यहाँ पे? क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों अहमद संभालो खुद, नहीं करो ऐसे मेरे बच्चे, वरना सब कुछ बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही मॉम, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है, कौन सी कसर बाकी है? इश्क की चादर तुम कोर्ट में अपना बयान दे देना, मैं रिश्ते और 50 लाख के लिए तैयार। बोलो हमारा कुछ सीख है, मैं लीजिए। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? इश्क की चादर।